हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ विदान क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम मस्त। तो चलिए अभी देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 का पहला सवाल। ठीक है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप व्हिच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। तो यहाँ पे क्या बोला है, एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो एक पोल के टॉप से ग्राउंड तक, ठीक है, एक हमने रोप लगाई है। ठीक है, सो दिस इज रोप, ओके, दिस इज पोल। तो रोप की जो लेंथ है वो बताइए 20 मीटर। इसका मतलब है ये है 20 मीटर। बढ़िया, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, ये हाइट, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, और यहाँ पे राइट एंगल। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, सो यहाँ पे एंगल दिया है 30 डिग्री। ओके, सो हियर सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ द पोल, तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। फिर ए सी, that is what is AC, that is length of the rope, length of the rope, so AC kya hoga, that is 20 meter, okay, AC kya hoga, that is 20 meter, yahan pe angle kitna diya hai, theta is equal to angle made by the rope with the ground, okay, so therefore theta will be equal to 30 degree, okay, so chalo sab cheeze hamare paas aa gayi. So abhi in triangle ABC angle B kitna hoga, 90 degree। Abhi dekho yahan pe 30 degree diya hai, तो 10 नहीं, यहां पे देखो इससे ये ऑपोजिट है और ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो हमें कौन सा फंक्शन यूज करना चाहिए, साइन, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो थीटा कितना है, 30, ऑपोजिट साइड कौन सा है, ए बी, और हाइपोटेनियस है ए सी, तो साइन 30 इज हाफ ए बी, ए बी दैट इज एच, जो हमें कैलकुलेट करना है, ए सी दैट इज 20, सो एच कितना होगा, 20/2, सो देयरफॉर एच विल बी 10 मीटर विच इज हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, तो आसान सवाल था, बेसिक था पहला सवाल इसलिए। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो, फिर एक और ऐसा प्रैक्टिस सवाल देता हूं, तो जल्दी से देख लो ये। तो चलिए, यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस सवाल दिया है। ठीक है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग थ्रू अ रोप व्हिच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। यहाँ पे देखो, इफ द हाइट ऑफ द पोल इज 15 मीटर, ठीक है, और एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ द रोप। ठीक है, सो सेम क्वेश्चन है, थोड़ा वैल्यूज को मैंने चेंज कर दिया यहाँ पे, तो ट्राई करना खुद से, और आंसर आ जाए तो कमेंट सेक्शन में श्योरली बताना। ठीक है, सो इसी तरह पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।